हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 का सेक्शन 51 को। सेक्शन 51 कहता है कि इम्प्रूवमेंट्स मेड बाय बोनाफाइड होल्डर्स अंडर डिफेक्टिव टाइटल्स, यानी कि कोई किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके ऐसा लग रहा है कि उसके पास टाइटल है, हालांकि उसके पास इम्परफेक्ट टाइटल, लेकिन उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पास परफेक्ट टाइटल और उसने कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दिया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में, तो इसमें कहा गया है कि वो जो भी इम्प्रूवमेंट्स आएगा वो उसको जिसने उसको डिस्प्लेस किया वो उसको वापस कर देगा जितना भी कॉस्ट उसका हुआ इम्प्रूवमेंट्स का, या फिर उसको वो लैंड को बेच देगा। इस सेक्शन में इसी बारे में कहा गया है। अब इसमें कहा है व्हेन द ट्रांसफरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मेक्स इन इम्प्रूवमेंट्स ऑन द प्रॉपर्टी बिलीविंग इन गुड फेथ दैट ही इज एब्सोल्यूटली एंटाइटल देयर टू एंड ही सब्सिक्वेंटली एविक्टेड देयर फ्रॉम बाय एनी पर्सन हैविंग अ बेटर टाइटल, the transferee has a right to require the person causing the eviction either to have the value of improvement estimated and paid or secured to the transferee or to sell the interest in the property to the transferee at the then market value thereof irrespective of the value of such improvement। अब इसमें कहा गया है कि जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर कोई व्यक्ति है जो कि उस प्रॉपर्टी को अपना समझ रहा है, यानी कि वो सोच रहा है कि ये प्रॉपर्टी मेरा है, इसका टाइटल मेरे पास है, और उसने ये मानते हुए उस प्रॉपर्टी के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर दिया है, यानी कि कुछ डेवलप कर दिया है, कुछ चीज़ें उसमें डेवलप कर दिया उस प्रॉपर्टी उस मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर, तो इस केस में कहा गया है कि जब उस व्यक्ति को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि जब कोई दूसरा व्यक्ति जिसके पास कि बेटर टाइटल होगा, वो व्यक्ति जब इसको आके कहेगा कि नहीं ये टाइटल तो मेरा है, ये प्रॉपर्टी मेरा है, और इससे जब वो प्रॉपर्टी ले लेगा, तो इसमें कहा गया है कि जितना भी इस व्यक्ति यानी कि जो ट्रांसफरी ने जो इम्प्रूवमेंट्स इसमें किया है, तो वो जो इम्प्रूवमेंट्स का जो भी पैसा रहेगा, जो बेटर टाइटल जिसके पास बेटर टाइटल था, जिसने इसको डिस्प्लेस कर दिया, वो व्यक्ति इसको जितना भी इसका पैसा इसने इम्प्रूवमेंट किया होगा वो इसको वापस कर देगा, या फिर जितना भी इसका मार्केट रेट होगा उस जो पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो भी अभी मार्केट वैल्यू चल रहा होगा उस हिसाब से जिसके पास बेटर टाइटल है वो उस प्रॉपर्टी को इसको बेच देगा, यानी कि इससे उसका पैसा ले लेगा और ये प्रॉपर्टी का बेटर टाइटल इसको दे देगा। इसमें यही कहा गया है। अब इसमें कुछ आगे चीज़ पॉइंट्स भी है। अच्छा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। अब इसमें कहा गया है द अमाउंट टू बी पेड और सिक्योर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इम्प्रूवमेंट शैल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू देयर ऑफ एट द टाइम ऑफ द एविक्शन, यानी कि एस्टिमेट किया जाएगा कितना वैल्यू इसमें इम्प्रूवमेंट कितना किया गया, कितने वैल्यू का इम्प्रूवमेंट किया गया, वो एस्टिमेट करके उस हिसाब से यहाँ पे दिया जाएगा। अब इसमें कहा गया है व्हेन अंडर द सर्कमस्टांसिस अफोर्सेड द ट्रांसफरी हैज़ प्लांटेड और सोन ऑन द प्रॉपर्टी क्रॉप विच आर ग्रोन वेन ही इज एविक्टेड देयर फ्रॉम ही इज एंटाइटल टू सच क्रॉप एंड फ्री इंग्रेस एंड एग्रेस टू गैदर एंड कैरी देयर। तो इसमें कहा गया है कि अगर मान लीजिए कि जो ट्रांसफरी है उसने कोई ऐसा क्रॉप लगा दिया है, उसी मूवेबल प्रॉपर्टी में कोई क्रॉप उगाया है उसने, ठीक है, कोई क्रॉप उसने लगाया है जिसका कि फल कुछ दिन बाद मिलेगा, यानी कि जो कि ग्रो होने के बाद मच्योर होने के बाद उसको हम लोग काटेंगे तो कुछ दिन उसको लगेगा, तो इसी बीच में अगर बेटर टाइटल वाला पर्सन आ जाता है और उसने अगर इसका प्रॉपर्टी ले लिया है जो इसके पास था और इसने अगर कोई क्रॉप लगाया है उस प्रॉपर्टी में, तो इसमें कहा गया है कि जिसके पास बेटर टाइटल है वो इसको परमिशन देगा फ्री इंग्रेस, ठीक है, यानी कि अंदर घुसने के लिए या बाहर निकलने के लिए, इंग्रेस या एग्रेस के लिए यहाँ पे उसको परमिशन देगा कि आप आए, आप आके अपना क्रॉप काट के ले जाएं, क्योंकि आपने अगर इस क्रॉप को लगाया है तो आप इस क्रॉप को ले जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पे जिस पर्सन के पास बेटर टाइटल है वो उसको अश्योरेंस देगा कि आप आकर के अपना जो भी आपने क्रॉप लगाया है वो क्रॉप को आप यहाँ पे काट सकते हैं, काट के ले जा सकते हैं, यानी कि आपको अंदर घुसने की मैं अनुमति दूंगा, अंदर घुसने या बाहर जाने के लिए आने जाने के लिए मैं आपको अनुमति दूंगा, उस लैंड में आप उससे अपना क्रॉप को काट के ले जा सकते हैं। बस इसमें यही है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।